हेलो गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो मोम विद क्यूट केमिस्ट्री। हम लोगों ने 8 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर लिए है। चलो नाउ कम ऑन द 9 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। और स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं भाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो प्लीज। इससे क्या होता है ना कि एक बूस्टअप मिलता है कि देखो, आप देखोगे नहीं भी देखोगे तब भी, मेरा तो लक्ष्य बनाना। लेकिन जब होता है ना कि आप देखोगे तो थोड़ा सा अंदर से अजीब एनर्जी मिलती है। आप कह नहीं सकते हो कि किस टाइप का एनर्जी मिलता है, मतलब वो हमें देता है कि हाँ यार करनी है इन लोगों के लिए, और थोड़ा सा ज्यादा ऐसे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लूज हो जाता है ना पोटेंशियल। तो अगर नहीं न्यू हो भाई तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हिट हॉट स्पॉट है, हिट पॉइंट है चैप्टर का, एक भी नहीं छूटेगा। और पक्का मेरे साथ चलो, बायो में 300 प्लस गारंटीड, जो मैं कमिटमेंट किया हूँ पूरा करूंगा। ठीक है, आगे भी और भी नीट के लिए मैं लाऊंगा शॉर्ट ट्रिक का अलग से वीडियो, पहले टोटल फिनिश कर लूं फिर नीट के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है गाइस, इसलिए बने रहो। चलो आते हैं चैप्टर 9 में। 8 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, नोट मैंने, आप लोगों भी ने भी। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो भी कार्बन कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारी बॉडी में होता है, जो भी प्राप्त होता है कार्बन कंपाउंड हमारी बॉडी से, लिविंग बॉडी से, उसे क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, वो देखा कि अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट और हमारी ह्यूमन बॉडी का करते हैं, मतलब दोनों का डायग्नोस करते हैं, तो पाते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन जिसका हायर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट, इसका कंसंट्रेशन जो है अबंडेंस परसेंटेज में ज्यादा होता है। अभी देखो कार्बन हाइड्रोजन का ही नहीं, ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी इवन, हाँ, और सल्फर का, ये पांचों का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर का ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दिया। अब कैसे केमिकल एनालिसिस करते हैं? सबसे पहले केमिकल एनालिसिस किसी भी टिश्यूज का करने के लिए क्या करते हैं, या तो प्लांट से ले लो या कोई भी एनिमल से लो, या अपना लीवर का हम कोई पार्ट ले लें, या प्लांट का कोई भी बार्क वगैरह ले लें, कुछ भी ले लें, या पत्ती ले लें, उसको क्या करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला करके उसकी ग्राइंडिंग करते हैं और पिस्टिल बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो चाय छन्ना, हम लोग चाय छन्ने वाली छन्नी होती है ना, मेस से क्या करते हैं, उसे छान देते हैं। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ सब एनसीईआरटी में है, जो वो ऊपर चाय पत्ती चाय बना करके चाय छानते हैं ना, जो चाय छन्ना में छना जाता है, जो नीचे चला जाता है, जो ऊपर बच जाता है उसे रिटेंटेट बोलते हैं, है ना। और ये जो होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का होता है, ठीक है, और जो नीचे है पॉट में चला जाता है वो फिल्ट्रेट होता है, वो एसिड सॉल्युबल होता है, और ये एसिड इनसॉल्युबल है, रिटेंटेट है। एसिड इनसॉल्युबल में मोस्टली जो भी आता है वो मैक्रोमोलिक्यूल आता है, जो लार्ज लार्ज बड़ा बड़ा है, लाइक पॉलीसेक्राइड हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, और भी बहुत मेनली चार ही जो होता है हम लोग को पढ़ना है, और चार ही मोस्टली आते हैं, लिपिड आ गया, प्रोटीन आ गया, पॉलीसेक्राइड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हो। ठीक है, तो हम लोग यही यहाँ पे यही समझाया गया है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को लेकर के क्या करते हैं, मोटर पिस्टल करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिल्ट्रेट इज मोर टेक्निकली एसिड सोल्युबल, और रिटेंटेज इज एसिड सोल्युबल, जो फिल्ट्रेट, जो हमारा फिल्टर हो गया है ऊपर छना गया है वो फिल्ट्रेट है, एसिड इनसॉल्युबल है, और जो नीचे सॉरी रिटेंटेड फिल्ट्रेट जो छना गया के नीचे चला गया वो फिल्ट्रेट है और एसिड सॉल्युबल है, फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल है और रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, याद रखना। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है और इसमें कम है, ये एक बार पूछा जा चुका है नीट में कि कौन सा ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है, सिलिकॉन, याद रखना है सिलिकॉन, और अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल में नाइट्रोजन, ये थोड़ा सा ध्यान देख लेना, ऑक्सीजन का परसेंटेज में भी याद रखना, ये थोड़ा सा हीट पॉइंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही होता है, फिर क्या होता है सिलिकॉन होता है, आगे बताऊंगा वो केमिस्ट्री में मैं जा रहा हूँ, है ना। अब स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स किससे बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड दैट वी गॉट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। उसमें हालांकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब रहेगा, लेकिन मेनली हम लोग ऑर्गेनिक पे करेंगे। अब आ गया ये कि किसको ड्राइवेट करेंगे कहेंगे, किसको फ्रेशवेट कहेंगे, किसको आस कहेंगे। ड्राइवेट होता है कि ऐसे
मतलब फ्रेश वेट होता है, कोई पत्ती लिए, कोई भी पत्ती लिए या तना, कोई भी चीज का ले लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लिए, एग्जाम्पल लिप ही ले रहे हैं, लिप लिए, उसे जो है ऐसे ही वेट कर लिए, जो स्टोर करके लाए पेड़ से और वेट किए, वो फ्रेश वेट होता है। फिर क्या हुआ, उसे छोड़ दिए और उसे जो है उसका टोटल मॉइस्चर सनलाइट में छोड़ दिए, या इतना छोड़ दिए कि उसका टोटल जो मॉइस्चर है वो जो है एब्जॉर्ब हो गया, है ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया ना। अब जो बचा है वो जो है ड्राई वेट है, ठीक है, आस। अब क्या करते हैं, उसे जो होता है टोटल जला देते हैं, जलने के बाद जो बचेगा वो टोटल जो होता है मॉइस्चर हो गया, CO2 हो गया, जो भी था सब उड़ गया, मतलब एटमोसफेयर में चला गया, है ना। जो बचा वो जो है आस कहलाता है, यहाँ पे यही समझाया गया है। नाउ इफ टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, CO2 वाटर वो रिमूव, रिमेड कोल्ड आस ड्राइविट, जो मैंने बोला वही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना, ये सब नहीं पूछा जाएगा, कंपाउंड इनऑर्गेनिक। अब आ जाओ हिट पॉइंट, एमिनो एसिड कंपाउंड। सबसे पहले अल्फा कार्बन कॉल्ड अल्फा, ये देखो अल्फा कार्बन क्या होता पता है, पहले अल्फा कार्बन का समझो, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा। जो अल्फा कार्बन अगर जिसका कायरल होता है एमिनो एसिड का, वो अल्फा एमिनो एसिड होता है। मोस्टली हम लोग के सिलेबस में अल्फा एमिनो एसिड ही पढ़ने का है, ठीक है। तो कैसे आपको समझाऊं, जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या, हम फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं, वैसा ग्रुप जो लगने के बाद कैरेक्टर चेंज कर देता है टोटल एटम का। तो वो अभी पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में, आए ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एसीटेट, एमाइन, सब जो होता है टोटल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड कैसे है, ये देखो ये हमारा कार्बन है। पहले देखो एमिनो एसिड डी बनाते हैं, पहले ये देख लो, इसमें बताया गया कि एमिनो एसिड जो है वो जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन का है। मीथेन का फॉर्मूला पता है ना, मार्स गैस, मार्स गैस। और मीथेन कहाँ हम लोग पढ़े हैं, अरे आर्की बैक्टीरिया, भूल गए, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से, आर्की बैक्टीरिया में कहाँ था, रूमिनेंट के गट में, मिथेनोजिन्स बायोगैस था, है ना। ये देखो ये हाइड्रोजन है, ये मैं ऐसा, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ये दोनों के बीच का 109 डिग्री 28 मिनट होता है डिस्टेंस, मतलब एंगल, लेकिन मैं समझाने के लिए बनाया, ये मीथेन है एक्चुअली, इसका टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, ऐसे होता है, मैं टाइम ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा कि इसका कैसे होता है। ये देखो ये और लंबा होता है, ये जो होता है ना, ये ऐसे जाता है, ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये दोनों, ये मेन है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि एमिनो एसिड जो होता है वो मीथेन का सब्स्टिट्यूशन होता है, कैसे होता है, ये देखो ये सब सेम रहेगा, ये सबको मैंने सेम रखा, ये सबको मैंने सेम रखा, है ना, बस एक इसके एच को हटा करके ऑक्जेलिक एसिड लगा दिया, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड बोल रहे हैं, सॉरी गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड, CWOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, CWOH, CWOH, ये दो बार लिख दो, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर एमीन लगा दिया, है ना, इधर एमीन लगा दिया, इधर जो है हाइड्रोजन लगा दिया, इधर अपना एल्काइल ग्रुप लग गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अपना एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद का कार्बन अल्फा कार्बन, इसका अल्फा कार्बन ही कायरल होता है, लेकिन एक केवल एक्सेप्शन है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्योंकि ये देखो इसमें चारों डिफरेंट, ये आर जो होता है यही मेन है जो एमिनो एसिड को चेंज करते रहता है,
आर चेंज हुआ, एमिनो एसिड चेंज हो गया, ये जो होता है चेंज होते रहता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन लग गया तो ग्लाइसिन हो गया, ए सी एच थ्री लग गया मतलब मिथाइल लग गया तो एलालिन हो गया, सी एच टू ओ एच लग गया तो सेरीन हो गया, तो ये आज चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो ठीक है, ये हो गया ना, चारों में कौन कौन सा लगा रहेगा, एक में हाइड्रोजन रहेगा, एक में एमीन रहेगा, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, एक में एल्काइल रहेगा। तो यही यहाँ पे लिखा है, द वेरिएबल ग्रुप ऑफ कस्टमर आर ग्रुप बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप दे आर मेनी, नेचर ऑफ आर ग्रुप देर आर मेनी एमिनो एसिड, ये आर चेंज होगा, एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा, दोज व्हिच अकरिंग प्रोटीन आर, टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं जो हमारे प्रोटीन में पाए जाते हैं, 21 हम लोग पढ़े थे, 20 21, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी चेंज हो गया है भाई, ये ध्यान रखना, 21 एमिनो एसिड होते हैं। अब आर ग्रुप देखो, अभी बोल रहा था हाइड्रोजन हो जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप रहेगा तो एलानिन हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा तो सेरीन हो जाएगा। कैसे याद रखना, गर्ल्स गर्ल्स याद रखना, गर्ल्स कॉलेज में होती है ना, एक लड़कियां नहीं होती है, बहुत सारी लड़कियां होती है, तो गर्ल्स G4 ग्लाइसिन, Al4 एलानिन, S4 सेरीन, अभी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ग्लाइसिन में H के बदले एल्काइल ग्रुप रहेगा जो हाइड्रोजन था, एलानिन में मिथाइल रहेगा है ना, और सेरीन में CH2OH रहेगा। ठीक है गाइस, चलो आते हैं, तो 21 एमिनो एसिड ये पढ़ लिया, इसमें टोटल जो होता है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा एक को छोड़ करके, ग्लाइसिन ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, क्यों रहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हमारा था ना, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक तरफ एमीन था, एक तरफ एमीन था, ऊपर में हाइड्रोजन था, नीचे का आर हमें चेंज करना है, तो नीचे ग्लाइसिन में हाइड्रोजन ही रहता है, ये आर के बदले हाइड्रोजन रहता है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो सिमेट्रिक नहीं होता है ना ये, तो फिर ये एक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे देखो CH3 लग गया तो हो गया ग्लाइसिन, सॉरी हाँ एलानिन हो गया है ना, ग्लाइसिन हाइड्रोजन वाला ऑप्टिकली ने, तो ऑप्टिकली एक्टिव ग्लाइसिन हो गया, जो भी लगेगा अदर देन हाइड्रोजन, मतलब ग्लाइसिन छोड़ के टोटल इम्यून एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है, यहाँ पे पूरा इंपोर्टेंट ही है, केमिकल फिगर एसेंशियल इम्यून एसिड एसेंशियली ऑफ द इम्यून, अब पूछ रहा है केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी किस किस के कारण होगा, हाइड्रोजन के कारण तो होगा नहीं, किस किस का एमिनो के कारण होगा, एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन सा होता है, अगर एसिडिक आर के बदले जो एसिड लगा दिया कोई एसिड यहाँ पे लग गया तो एसिडिक हो जाएगा एमिनो ग्लूटामिक एसिड, अगर बेसिक है बेसिक ग्रुप लग गया एमीन अल्कोहल वाला एमीन वाला तो लाइसिन हो जाएगा, न्यूट्रल अगर कुछ नहीं रहा ऐसा मॉलिक्यूल लगा जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा तो वैलिन होगा है ना, एरोमेटिक भी है जो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड समझते हो ना जो हैकल्स रूल को फॉलो करे है ना, सिंपली एरोमेटिक का मतलब हमारे दिमाग में एक ही कंपाउंड आता है बेंजीन, ठीक है ना, तो जिसमें यह स्ट्रक्चर अभी तत्काल के लिए सीख लो, बेंजीन दिख जाए तो वो एरोमेटिक है, टायरोसिन फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफान टीटीपी याद रखना, ट्रिप्टोफान टायरोसिन फिनाइल एलानिन ये तीनों क्या है एरोमेटिक है, पूछा गया है ये सब पूछा गया है भाई, ग्लूटामिक एसिड में नाम ही से मेल लगा हुआ है ऐसे, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एसिटिक एमिनो एसिड है, हिस्टाडीन आर्जिनिन एंड लाइसिन, हिस्टाडीन आर्जिनिन एंड लाइसिन ये तीनों बेसिक है बाकी सब न्यूट्रल है, एमिनो एसिड जो आयनाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट में तो वो कैसे होता है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में वो NH2 और COOH ग्रुप की वजह से होता है, पीएच चेंज करते हैं, ये देखो बहुत बार पूछा गया है, ये देखो इसी को ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है ये ध्यान में रखना, ज्यूटर आयन इस पे पॉजिटिव है इस पे निगेटिव है, ये देखो एसिडिक मीडियम में ये होगा, ये अगर पीएच लो है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पीएच लो रहेगा तो हाइड्रोजन ज्यादा अवेलेबल रहेगा तो ये एच ले लेता है, ये पीएच ज्यादा में रहेगा, अगर पीएच ज्यादा कर दिया तो फिर ये मिलेगा स्ट्रक्चर, क्योंकि पीएच ज्यादा रहेगा हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा रहेगा तो इसका एच